अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, हुकूमत पंजाब ने खुशहाली सर्वे का आगाज़ कर दिया है, जिसको PSER सर्वे का नाम दिया गया है और ये पंजाब वालों के लिए सर्वे है। ठीक है, अब इस सर्वे को करवाने के बाद आपको क्या क्या सहूलियात मिलेंगी ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और आप लोगों ने सर्वे कैसे करवाना है, कैसे सर्वे होगा ये भी आप लोग को बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह के मज़ीद अपडेट्स आप तक से पहले पहुंच सके और आप इन सहूलियात से, गवर्नमेंट की इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। देखें जी, पाकिस्तान में इस वक्त दो किस्म के सर्वे हो रहे हैं। एक को डायनामिक सर्वे कहा कह रहे हैं, जिसको NSER कहा जाता है, और दूसरा का सर्वे है जी PSER, जिसको खुशहाली सर्वे का नाम दिया गया है। ठीक है, जो डायनामिक सर्वे है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए है। ठीक है, और जो ये PSER सर्वे, खुशहाली सर्वे है, ये पंजाब वालों के लिए है। देखें, अब इस सर्वे को करवाने के बाद आपको कौन सी सहूलियात मिलेंगी। नंबर वन पर, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आप लोगों को पैसे मिलते हैं, इस तरह की कोई स्कीम जो कि पंजाब की सतह पर आपको दी जाएगी ये होगी। ठीक है, इसमें आपको कोई कैश दी जाएगी, वो 10,000 भी हो सकता है, वो 12,000 भी हो सकते हैं, जो भी हुकूमत अनाउंस करेगी वो आपको मिलेगी, सामाई मिलेगी या मंथली मिलेगी, जो भी इसका तरीक़ाकार होगा वो हुकूमत आपको बता देगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, तो उसमें आप लोग का आ जाता है जी सेहत कार्ड। ठीक है, सेहत कार्ड की स्कीम, ये सर्वे करवाने के बाद आप सेहत कार्ड स्कीम में अहल हो सकते हैं। उसके बाद आप किसान कार्ड के लिए अहल हो सकते हैं, ठीक है, ये स्कीम करवाने के बाद। उसके बाद आप सोलर पैनल स्कीम के लिए अहल हो सकते हैं। उसके बाद जो रमज़ान पैकेज आते हैं उसमें आप अहल हो सकते हैं, और इसी तरह की किसान कार्ड है अपना, और इसमें मज़दूर कार्ड है, और इसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, और इसमें आपका नशोनुमा प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं ये सर्वे करवाने के बाद पंजाब की सतह पर। ठीक है, PSER, जिसको पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री कहते हैं, उसमें आप लोगों को ये सर्वे करवाने के बाद आप लोग इन सब प्रोग्रामों में एल हो सकते हैं। देखें, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, PSER.punjab.gov.pk के। ठीक है, इससे भी कर सकते हो, और इसके अलावा 12,000 से ज़्यादा सेंटर्स भी बना दिए गए हैं जहाँ पर आप लोग इसका सर्वे करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग को मैं बता दूं कि ये सर्वे करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, और कौन कौन सी सहूलियात मिलेंगी वो भी मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने अगर हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो तो हम भी आपको ये सर्विस देंगे, घर बैठे आप ये अप्लाई करवा सकते हैं। थोड़े बहुत चार्जेस लगेंगे उसके अप्लाई करवाने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।